एवरीवन वेलकम टू आवर लर्निंग गाइस। दोस्तों आज हम जानेंगे स्पोकन के रूल। स्पोकन में आज एक नया मॉडल और पढ़ने वाले हैं, तो आज जो मॉडल होगा आपका वुड पढ़ेंगे। वुड का हम जानेंगे डेली लाइफ में आप किस तरीके से यूज करते हैं और किस तरीके से आप इंग्लिश स्पोकन में आप उसका यूज करके बोल सकते हैं। देखिए तो आज जो होगा वुड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। देखिए वुड का कई तरीके से यूज है, आज हम दो यूज देखेंगे इसका मुख्य तरीके से। तो जो पहला है तो देखिए, पहला इसे प्रेजेंट में, जैसे मान लीजिए कोई चीज, मैं यार बोलता, मैं सुनता, मैं खेलता, तो ये देखिए अब इसको जो सेंस है ता ती और ते है, ठीक है, ये चीज आप नोट करिए। लेकिन जो कहने का सेंस है उसका वो अलग सेंस है, यार मैं बोलता, मैं कुछ में तो कंडीशन थी, कंडीशनल सेंटेंसेस हो जाते हैं। जैसे देखिए इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड, देन बी वन ऑब्जेक्ट इटीसी। तो देखिए यार मैं बोलता आई वुड स्पीक, मैं कहता लेकिन नहीं कह पाया, आई वुड सी, मैं पढ़ाता लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। तो जिसे इस सेंस में आप बोल सकते, मैं पढ़ाता, मैं बोलता, मैं खेलता, मैं देखता। तो इस तरीके से इनका किस तरीके से यूज करेंगे आप, और अब ये नहीं कि आप इसमें डूडेस लगाएंगे, ये चीज नहीं होगा। आप सेंस को समझिए, सेंस को तरीके से आप किसी भी जितने ग्रामर है, जो डूडल्स है चाहे ईजीएमआर है, कुछ भी है, अगर आप सेंस को तरीके से देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी तरीके से क्या स्पोकन में आपका देखे फ्रेंड से आपको पढ़ने लगेगी, आप मतलब कि डे में बोल पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, आई वुड से। अब यहाँ कोई किसी भी वह खेलता, ही वुड, अगर उसे कोई रोकता नहीं तो ही वुड प्ले, ठीक है, मैं पढ़ाता, आई वुड टीच, मैं तुम्हें बुलाता, आई वुड कॉल यू, इस तरीके से। अगर इनका निगेटिव बनाना है तो क्या कर देंगे आप, सिंपल है, सब्जेक्ट लगा देंगे वुड प्लस नाउन बी वन ऑब्जेक्ट डॉट डॉट डॉट। देखिए कैसे, यार मैं नहीं बोलता, आई वुड नॉट स्पीक, मैं नहीं कहता, आई वुड नॉट से, मैं नहीं खेलता, क्या हो गया, आई वुड नॉट प्ले, वह नहीं खेलता, ही वुड नॉट प्ले, प्रिया नहीं खेलती, प्रिया वुड नॉट प्ले, प्रिया नहीं खाना बनाती, प्रिया वुड नॉट कुक। आई वुड नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाता यार, आई वुड नॉट कॉल यू, मैं तुम्हें नहीं बुलाता। तो ये पहला है, और दूसरा देखिए किस तरीके से, तो दूसरा है तो देखिए जो दूसरा वुड का यूज है इसमें होगा चॉइस, आपको चुनाव करना होगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसे यार मैं किताब पढ़ाऊंगा, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ाऊंगा आज, या मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं लूडो नहीं खेलूंगा। अब ये चुनाव करना है, आप सोचेंगे फ्यूचर है, फ्यूचर में बिल नहीं लगेगा, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट में चुनाव कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे आप, देखिए सब्जेक्ट वुड प्लस बी वन ऑब्जेक्ट इटीसी। अब देखिए अभी बोलेंगे आप यही फार्मूला फिर से रिपीट हो रहा है, तो देखिए इस तरीके से हो जाएगा, आपको चुनाव करना होगा। जैसे मैं यार कॉफी लूंगा, मैं चाय नहीं लूंगा, तो आई वुड टेक कॉफी, इस तरीके से। यार मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं लूडो नहीं खेलूंगा, आई वुड प्ले
क्रिकेट, तो इस तरीके से ठीक है। आई वुड रीड न्यूज़पेपर, मैं यार न्यूज़पेपर पढ़ूँ, किताब नहीं पढ़ूंगा। आई वुड रीड न्यूज़पेपर, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। यार मैं टीवी देखूंगा, मैं लैपटॉप नहीं देखूंगा, मैं टीवी देखूंगा, इस तरीके से मैं टीवी देखूंगा। तो आई वुड वॉच टीवी, जैसे यार मैं कोई सीरियल नहीं देखूंगा, आज मैच देखूंगा। तो आई वुड वॉच मैच, इस तरीके से आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं ठीक है। यार मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मैं विज्ञान नहीं पढ़ाऊंगा, अभी चुनाव बात रहे ना, जैसे आप बोल दिए आप क्या पढ़ाओगे, यार मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो आई वुड टीच इंग्लिश, इस तरीके से आई वुड मेक वीडियो, मैं वीडियो बनाऊंगा ठीक है, मैं कॉमेडी नहीं बनाऊंगा, तो इस तरीके से। तो क्या कर सकते हैं इसका, अगर चुनाव करना हो या चूज करना हो तो प्रेजेंट में भले गागी लेकर रहे, आपको वुड प्रयोग करना है ठीक है। अब देखिए इसका अगर निगेटिव बनाना है गाइस तो क्या करेंगे, सिंपल है, वुड के बाद आप नॉट लगा देंगे। जैसे यार मैं चाय कॉफ़ी नहीं लूँगा, मैं चाय लूँगा, आई वुड नॉट टेक कॉफ़ी। आई वुड नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। अब जैसे आपसे कोई पूछ रहा है तो आप प्रेजेंट में आप उसका आंसर देंगे। यार जैसे इसमें आई वुड नॉट रीड न्यूज़ पेपर, मैं रीड न्यूज़ पेपर नहीं पढ़ूँगा। यार आई वुड नॉट रीड न्यूज़ पेपर, आई वुड नॉट वॉच मैच। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दोनों केस में आप चॉइस अगर लगाएंगे तो भले ही गागी के लग रहा फिर भी वुड लगाएंगे, और ताती ती भले रहेगा आप फिर वुड लगाएंगे कंडीशनल वाले में। आई होप आपको वुड का दो तरीके से आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल गाइज, एंड और गाइज अगर आप चैनल नए हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।